हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एक नया नोटिस आया है सीबीएसई की तरफ से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें लॉकडाउन जो 21 डेज का लॉकडाउन जो अनाउंस हुआ है, उसमें शिक्षा का सुनहरा अवसर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी नोटिस है ये, कि वो अपने टाइम को, ये जो टाइम मिला है घर पे, खाली समय और असीमित अनलिमिटेड टाइम जो उन्हें मिला है, वो उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली है, इट इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, ऑल्सो फॉर टीचर्स एज वेल एंड ऑल्सो फॉर पेरेंट्स एज वेल। सो ये जो एक लॉकडाउन की जो ये सिचुएशन आ गई है, जिसमें पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को, सबको ही ये चिंता और ये कि नया सेशन अब अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, ऐसे में क्या करें। तो आपको पता है कि सीबीएसई ने अच्छे से कहा है कि जैसे कि टोटा रटंत, यानी कि जो रटाफिकेशन है, उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ बच्चे करें जिससे उनकी क्रिएटिविटी सामने आए, क्रियात्मक तरीके से करें, यानी कि उसको एक्सपेरिमेंट करके करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे सोच रहे हैं, उसको एग्जैक्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि एक यही टाइम है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जिसमें बच्चों को अपना इंटरेस्ट दिखाना है, यहाँ पर आपको कोई भी आपको कहेगा नहीं कि आप पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, टीचर्स या पेरेंट्स आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे इस टाइम को आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप अपने मन की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें जो आपको आनंद दे, यानी कि जो आपको स्किल स्किल डेवलप करने में आपकी हेल्प करे, नैतिकता प्रदान करे, जितना भी चीज़ें हैं रोज़गार की तरफ लेके जाए। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ आजकल जो एम्प्लॉयमेंट है वो डॉक्टर इंजीनियर्स में नहीं है, आजकल बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी लाइन्स हैं बच्चों के लिए, जिसमें वो अपना रोजगार एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे सीबीएसई ने अच्छे से बच्चों को समझाने की कोशिश करी है, अध्यापकों को, टीचर्स को और पेरेंट्स को, सबको ये सिखाने की कोशिश करी है कि ये जो लॉकडाउन की जो स्थिति है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। यहाँ पर बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास और टीचर्स के पास, सभी के पास असीमित समय है, जिसमें वो इंटरनेट के थ्रू जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप में डेवलप कर सकती हैं। इंटरनेट अब एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसमें जो है बच्चे अपने घर पर बैठे कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे वो गेम्स हो, फंस हो, शूट्स हो, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है, जो रॉट लर्निंग को, रटंत विद्या को जो है उससे आपको निजात दिला सकती है, उससे आपको दूर हटा सकती है। यहाँ पे टीचर्स के बारे में बहुत अच्छे से बोला गया, टीचर्स को बेसिकली यहाँ पे बहुत ही सुनहरा अवसर है, ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें। अपग्रेड वो टीचर्स कैसे करेंगे, वो ई कंटेंट जो है खुद से तैयार करें, वीडियो बनाए लेसन्स की, उसे अपलोड करें और अच्छे से अच्छे उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, अपने लेसन प्लान्स बनाए, जिससे कि क्या होगा कि बच्चों को उसको समझने में आसानी होगी। क्योंकि ऐसे बहुत से चीज़ें होती हैं जो बच्चे लेक्चर मेथड से नहीं समझ सकते, उनको आपको एक्सपेरिमेंट करना या डेमो दिखाना होता है, तो वो सब चीज़ें आप इस वीडियोस के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हैं। इसी के साथ पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, पेरेंट्स जो है आजकल बच्चों को इतना ज़्यादा हैक्टिक हो गया है हमारी लाइफ, कि वो बच्चों को जो है क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते, अपने बच्चों के साथ स्पेंड नहीं कर पाते। ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो अब अपने बच्चों के साथ घर में है, तो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी क्या मन है, के अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसे बाहर लाने की कोशिश करिए, ताकि जो है बच्चों के अंदर से जो एक्चुअली वो करना चाहते हैं उसके बारे में आपको पता चले, आगे उनके भविष्य के लिए उनको तैयार करने के लिए आपको हेल्प मिल सके। इसके अलावा बच्चे क्या करें, यहाँ पे आपको घर में खाली नहीं बैठना, आपको डेली व्यायाम करने के लिए बोला गया है, जिससे कि स्ट्रेचिंग करने के लिए बोला गया है, मूवमेंट करें। इसके साथ साथ ही आप अपने पेरेंट्स की, अपने मम्मी की या फिर भैया दीदी जो भी आपके घरों में काम करते हैं, उनके साथ आप हेल्प करेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। अपने कमरे की सफाई कीजिए, जो भी है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, हाउस कीपिंग एक्टिविटीज आप लोग अपने बड़ों के साथ उनकी हेल्प कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इतनी हैक्टिक लाइफ है कि लोग एक दूसरे के साथ, यहाँ तक कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करने का बिल्कुल मौका नहीं देते। यहाँ पे आप लोग म्यूजिक, डांस, ड्रामा, भाषण, थिएटर, ड्रेस डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ड्रॉइंग, पेंटिंग, रोबोटिक्स, इतने सारे कोर्सेज हैं, आप उन सभी कोर्सेज को कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। क्योंकि ऑनलाइन माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती, या फिर सिर्फ कैट्स और वीडियोस ही नहीं रह गई, अब ऑनलाइन जो वीडियोस हैं, यूट्यूब जो वीडियोस हैं, वो
अलग अलग चीज़ों के बारे में है, जैसे कि आप चाहे भाषण कर ले, ड्रेस डिज़ाइनिंग कर ले, कुछ भी कर ले, आप ए टू जेड सब चीज़ें जो है अवेलेबल है। सो यहाँ पे आप पढ़े ना, अब जब रट रट कर, अब सीबीएसई ने साफ बोला है अपने इसमें कि रट रट कर 100 में से 100 नंबर लाने वाले बच्चे ही होनहार नहीं होते। अपनी स्किल्स को डेवलप आपको करना चाहिए, जो भी स्किल्स आपके अंदर है, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो ड्रेस डिज़ाइनिंग हो, सोशल स्किल्स हो, लीडर बनने की हो, जो भी आप चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इज़ लाइक दिस इज़ द टाइम डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये वो टाइम है जहां पर आप जो मन चाहे वो कर सकते हैं, अपने मनपसंद की चीजें कर सकते हैं। एक आप लोग यहाँ पर बोला गया है कि अपनी एक वीडियोस बनाए, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसकी वीडियो बनाए, उसकी रिकॉर्डिंग करें और उसको बार बार जब तक रिकॉर्ड करते रहे जब तक वो परफेक्ट ना बन जाए। ऐसी रिकॉर्डिंग कर कर आप लोग जो है सीबीएसई की साइट पर भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपके इनोवेशन और आविष्कार करने में मदद मिलेगी। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये बोला गया, इन छुट्टियों के माहौल में आप आविष्कार करें, एक नई डिस्कवरी करें और ये जाने कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जिसको आपको आगे चल के और बढ़ाना है, ताकि आप उसके अंदर दक्ष बने। ऑनलाइन क्लासेस की बात की गई है, सीबीएसई के कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर दी हैं। इसमें एक दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में सीबीएसई ने बताया है, जिसने ई कंटेंट लॉन्च किया है। इस दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग अपने लेसन्स वीडियोस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट एक्टिविटीज़ ई कंटेंट ये सब जो है इस ऑनलाइन माध्यम के थ्रू जो है बच्चों को भेजी गई हैं, जिससे बच्चे जो है अपना इस टाइम का भरपूर उपयोग कर सकें। इसके अलावा एचआरडी मिनिस्ट्री ने भी एक स्वयं पोर्टल प्रभा चैनल के माध्यम से डिजिटल लर्निंग मटेरियल का अवसर उपलब्ध कराया है। प्रभा चैनल पे बहुत सारे डिजिटल लर्निंग मटेरियल आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या है, डिजिटल क्लासरूम को तेजी से बढ़ावा दिया है, जो आजकल फॉरेन कंट्रीज में आप सुन रहे हैं कि घर बैठे जो है बच्चे पढ़ते हैं, सो वही चीज अब इंडिया में होने जा रही है, जिससे हमारा जो भारत है वो एक श्रेष्ठ भारत बन पाएगा। तो डिजिटल क्लासरूम को आप लोग ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और अच्छे से, ये जो समय है आई थिंक इट इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। तो टीचर्स भी अपना काम करें। मैं जो है क्लास 10th की साइंस 1st of April से स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप कोई भी एक टाइम अपने अकॉर्डिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस टाइम ये वीडियोज़ जो है देखना पसंद करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आया है। सो आप भी अपने जो अंदर के इंटरेस्ट है उसको बाहर लाइए और उसको बढ़ावा देने की कोशिश करिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए। जो स्टूडेंट वट एवर जो भी पसंद करता है, डांस करना पसंद करता है, कुकिंग करना पसंद करता है, तो सब चीज़ें जो है हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर।